देश भर में और हरियाणा भर में आज सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिले हैं जहां अंबाला की बात करें 20 से ऊपर मामले सामने आए वहीं करनाल में दो मामले जो है आज शाम को सामने आए जिसको लेकर कही कहीं ना कहीं हमको बताना चाहेंगे मामले बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस समय करनाल के पृथ्वी विहार इलाके में मौजूद है जहां पर एक सब्जी बेचने वाले को कोरोना पॉजिटिव आया है और हमको बताना चाहेंगे नाम उसका रामपाल है जो रेडी पे जो है सब्जी बेचने का काम किया करता था लाइसेंस था लाइसेंस वेंडर था जो लाइसेंस जो है प्रशासन ने दिए गए थे उनमें लाइसेंस वेंडर जो है बताया जा रहा है और इलाके को सील कर दिया गया है शुगर मिल के बैक साइड का इलाका पृथ्वी दिनों के लिए ये इलाका कंटोनमेंट जोन रहेगा हालांकि काफी लोगों के फोन आ रहे थे कि ये जो था, वो सब्जी कहां पर बेचा करता था आपको बताना चाहेंगे कि घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी तरह के कोई चांसेस ऐसे नहीं होते हैं अगर किसी को जो है डॉक्टर को दिखा सकता है लेकिन हमको बताना चाहेंगे कि जो जानकारी मिली है कि बसंत बिहार के इलाके में और पृथ्वी बिहार के इलाके में जो है ये सब्जी दिया करता था इसको जो एरिया अलॉट हुआ था बसंत बिहार और पृथ्वी बिहार का ही एरिया था जहां पर ये सब्जी दिया करता था और हमको बताना चाहेंगे कि सेक्टर या उसके आसपास ये सब्जी बेचने नहीं जाता था रेडी इसके पास होती थी और रामपाल इसका नाम है रेडी में ही जो है सब्जी की सप्लाई करता था एक कोरोना मामला ये आया है दूसरा मामला करनाल के रामनगर इलाके का लाइन पार इलाके का सामने आया जहां पर एक लेबर क्लास से जुड़ा हुआ व्यक्ति था

और जो दिल्ली से परसू छुपके से आया था उसको भी जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ है दोनों को जो है हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया उसके बाद जो जानकारी मिली है कि शायद उनको जो कोविड हॉस्पिटल बना है शाहबाद के पास आदेश हॉस्पिटल वहां पर जो है शायद ले जाया गया है दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा हालांकि रामनगर की जगह ये जानकारी आ रही थी कि एक करियाने वाले को कोरोना है ऐसा नहीं है वो जानकारी मिसमैच नाम मिसमैच होने के कारण हो रही थी क्योंकि राजू शख्स उसका भी नाम था और करियाने वाले का भी नाम राजू था राजू का भी टेस्ट लिया गया था जो करियाने वाला था उसका नेगेटिव आया है लेकिन ये जो शख्स था ये लेबर क्लास से है और इस मौजूद है इलाके में इस समय आप देख सकते हैं ड्यूटी दे रहे हैं है। उनको भी सैल्यूट जरूर है ये अपना है जी। इलाका है सुगर मिल के नजदीक कोरोना का मरीज मिला है प्रशासन ने पूरी उसी टाइम अपना व्यवस्था की गई पूरी नाकाबंदी करी गया सील कर लिया गया है और इसके बारे में लोगों की पूरी हिफाजत करनी है तनबन से हम अपनी ड्यूटी बढ़िया कर तो ये आप देख सकते हैं पुलिस के जवान हैं यहाँ पर ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पृथ्वी विहार का इलाका जिसको कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया शुगर मिल के बैक साइड बैकसाइड मौजूद हैं हम लोगों को पैनिक करना नहीं चाहते लेकिन लोगों को समझाना जरूर चाहते हैं कि अगर आप बाहर बगैर मतलब के निकलेंगे तो ना जाने कितने मामले सामने आएंगे पूरे इलाकों को सील कर दिया जाएगा आपके तमाम परिवार के लोगों को जो है क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं छोटी सी गलती आपकी बड़ी गलती जो है साबित हो सकती है इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने अपने

हो सकती लगाता है लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अपने अपने घरों में रहिए अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूजर हो चाहे आईओ फोन यूजर हो एपल फोन यूजर हो करनाल ब्रेकिंग न्यूज प्ले स्टोर पर लिखकर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल जिले और बड़ी हरियाणा की बड़ी खबरें तुरंत जो है आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेंगे आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों पर रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं भगवान ना करे करनाल में और मामले सामने आए लेकिन कहीं ना कहीं जो बाजार आज खुले हैं बाजार में बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो देखी जा रही थी रोजाना की तरह पहले लॉकडाउन से पहले जितनी भीड़ नहीं होती थी उससे ज्यादा जो है आज भीड़ थी लोगों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है आप घर की महिलाओं को बिल्कुल ना भेजें बच्चों को ना भेजें बुजुर्गों को ना भेजें और आप भी अपना जो सामान है वो होम डिलीवरी के माध्यम से ही मंगाए इसलिए सावधानी इसी में है हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए सुरक्षित रहिए कमल बिड्डा करनाल वेकिंग करनाल